सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कई चेहरों को लॉन्च किया है। कई ऐसी हीरोइन हैं जिन्होंने सलमान के साथ अपने करियर की शुरुआत की और बुलंदियों पर हैं। लेकिन हर एक ट्रेस की किस्मत ऐसी नहीं हुई। आज हम ऐसी ही एक ट्रेस की बात कर रहे हैं जिसने कभी अपने करियर की शुरुआत सलमान के साथ की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव की हीरोइन स्नेहा उलाल की, जिसमें अपनी पहली ही फिल्म में लोगों का दिल जीत लिया था। स्नेहा लंबे समय के बाद लाइमलाइट वापस नजर आई हैं। ऐसा नहीं कि वह एकाबिल एक्ट्रेस नहीं थी, पर गंभीर बीमारी के चलते उनका ज्यादातर समय या तो अस्पताल में गुजरा या फिर उनके घर में। स्नेहा उलाल अब वापसी कर चुकी हैं। स्नेहा अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं और एक बेहतरीन कमबैक की तैयारी में हैं। उन्होंने अपनी अगली फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। स्नेहा ने एक न्यूज़ वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अपनी संघर्ष की कहानी बताई है। स्नेहा उलाल ने बताया, मैं खून की एक गंभीर बीमारी ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर से पीड़ित थी। इस बीमार में मेरा अपना इम्यूनिटी सिस्टम मुझे बीमार करता है। इस बीमारी से मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं वो सब कर पाती जो एक एक ट्रेस से उम्मीद की जाती है।